सो हेलो फ्रेंड्स बात करते हैं कलकाता यूनिवर्सिटी बीकॉम में जो सिक्स सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट मिलता है बीकॉम ऑनर्स में जो सिक्स सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मिलता है वो कैसे बनाए क्या टॉपिक होता है और कैसे बनाए सब कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है और कैसे बनाना है बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता ही है क्योंकि बिना सैम्पल के और बिना इंस्ट्रक्शन के आप लोग नहीं बना पाते कॉलेज में बस टीचर लोग बोल रहे ये बनाओ इस पर बनाओ उतना समझ में नहीं आता तो मेन चीज़ आपको सैम्पल और कैसे बनाना है वो चीज़ आना चाहिए तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट एक सैम्पल है ये मेरा ही खुद का प्रोजेक्ट है ठीक है मैं बताता हूं कैसे क्या करना है ठीक है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मेरा ये फर्स्ट पेज है फर्स्ट पेज है मुझे मिला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड नॉर्मली हम लोग क्या होता है सिक्स सेमेस्टर में ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारा मतलब बड़ा बड़ा कंपनी का तो या कोई भी कंपनी तो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मिलता है मतलब जो भी फाइनेंशियल तो स्टेटमेंट है उसका एनालाइज करो एनालाइज करो कुछ डाटा ग्राफ बना के बताओ ये चीज करना पड़ता है करना क्या पड़ता है ये टॉपिक तो मिल गया ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट मिल गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे लिखते थे हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट है स्टार्ट उसके बाद लिखते सबमिटेड बाय डिग्री ऑफ फॉर द डिग्री ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ठीक है ये है सबमिटेड बाय नाम नाम जो भी रहे नाम विकी है रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी रोल नंबर कॉलेज रोल नंबर है और कॉलेज है गोइंगा कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड ये सारा चीज आपको फ्रंट पेज में लिखना है ठीक है फ्रंट पेज में यहां तक आएगा उसके उसका सुपरवाइज मान लो नेम ऑफ द सुपरवाइजर टीचर थे प्रोफेसर असित कुमार घोष कॉलेज है गोयका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है मंथ एंड ईयर ऑफ सबमिशन जुलाई 2021 2021 में सबमिशन हुआ है तो ये मंथ है ये सारा चीज आपको पेज वन में लिखना है ठीक है पेज टू में सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लिखना पड़ता है जहां पे अपना प्यारे प्यारे टीचर लोग को मतलब थैंक्स बोलना पड़ता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज टू सर्टिफाइड मिस्टर असित कुमार घोष अ स्टूडेंट ऑफ बी कॉमर्स इन इतना गोइंका कॉलेज अंडर कलकटा यूनिवर्सिटी हैज़ वर्क अंडर माई सुपरविजन यहाँ पे असित कुमार घोष नहीं होगा इसमें कैंडिडेट का नाम होगा यहाँ पे असित कुमार घोष आ गया बट ये कैंडिडेट का नाम होगा ठीक है तो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में कि हाँ कि ये बच्चा इस क्लास का इस कॉलेज का इस प्रोजेक्ट का इस प्रोजेक्ट में काम किया है ऐसा और ये मुझे ये सबमिट कर रहा है ठीक है ये सब चीज़ लिखना पड़ता है इसका सिग्नेचर डेट नेम ऑफ द प्रोफेसर डिजिग्नेशन क्या है मतलब डिजिग्नेशन मतलब प्रोफेसर है वो ऑबियसली टीचर सिग्नेचर उसका ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यही वर्ड में लेकिन ऑफलाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा मतलब प्रिंट आउट निकाल के हम लोग के टाइम में जब कोरोना था तो हम लोग को ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में देना पड़ा था बट आप लोग को तो प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ेगा ठीक है कॉलेज फिर फिर प्लेस देते थे हम लोग ठीक है उसके बाद थर्ड पेज में स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन देते थे आप लोग को पता है कि आप लोग ऐसे वीडियो में तो पूरा हर एक चीज नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसलिए आपको जिस लोग को भी चाहिए ये पूरा पीडीएफ फॉर डिटेल एनालिसिस खुद से भी एनालाइज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा ई का लिंक ई होगा व्हाट्सअप नंबर होगा ये चार चीज होगा किसी एक में भी आप कॉन्टैक्ट करना मुझसे मैं ये पी आप लोग को भेज दूंगा ठीक है तो उसके बाद स्टूडेंट डिक्लेरेशन में बहुत कुछ लिखना पड़ता है ठीक है उसके बाद एक्नोलॉजमेंट एक्नोलॉजमेंट जानते हो आप लोग बचपन से बनाते हो हर प्रोजेक्ट में एक्नोलॉजमेंट लिखना लिखना पड़ा उसके बाद कंटेंट आता है कंटेंट में हम लोग मेरा देखो ऑलमोस्ट 54 60 पेजेस का था ठीक है तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते थे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड लेंगे रिव्यू लिखे ऑफ लिटरेचर है ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द स्टडी है लिमिटेशन है डाटा सोर्स कहाँ से कलेक्ट किए चैप्टर प्लानिंग कौन सा चैप्टर कैसे कैसे प्लान है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लिखते थे कम, जो कंपनी के बारे में बना रहे जैसे कंपनी के बारे में बना रहे थे ये इफोसिस का इन्फोसिस कंपनी के बारे में तो उसका प्रोफाइल लिखेंगे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लिखेंगे रेशियो एनालिसिस करेंगे फिर डाटा वाटा देख के फिर सारा चीज डिफरेंट रेशियोज का एनालाइज करते हैं फाइंडिंग्स करते हैं कंक्लूजन रिकमेंडेशन बाईवोग्राफी ये तीनों चीज़ देते हैं तो ये चीज़ अभी कंटेंट मतलब पहले मेन चीज अब देखो आप आप लोग पहले इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन में हम लोग बना के आ रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारा चीज़ भर दिया मैंने ठीक है बैकग्राउंड में भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैकग्राउंड क्या है आप सारा चीज़ नेट पर मिल जाएगा आपको कोई टेंशन नहीं खुद से क्या लिखना है पूरा नेट से छापा हुआ है आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट से कॉमन साइज स्टेटमेंट से फिर रेशो एनालिसिस से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं हम लोग तो मुझे बेसिकली रेशियो एनालिसिस मिला था बट नीड ऑफ द स्टडी क्या था नीड हम लोग ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं कि ऑब्वियसली हम लोग मतलब कि किसी भी कॉलेज मतलब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं उसका उसका फर्दर ग्रोथ कैसा हुआ कैसा सिचुएशन है ये सब चीज के लिए ये सब चीज नीड में लिख देना लिटरेचर रिव्यू में रिव्यू में ये यहाँ से कॉपी कर लेना कहाँ से क्या हुआ मिला है ठीक है सारा लिटरेचर रिव्यू है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ये सारा नेट में मिल जाएगा लिमिटेशन मिल जाएगा ठीक है लिमिटेशन क्या लिमिटेशन क्या रहता है ऑब्वियसली हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मतलब लिमिटेशन हम लोग जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट का लिमिटेशन होगा कि ऑब्वियसली हम लोग सेकेंडरी डाटा पे निर्भर कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा प्राइमरी डाटा नहीं है सेकेंडरी डाटा है ये सारा कंपनी का डाटा सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को गूगल में गूगल का एक वेबसाइट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ <coughs>